शिवाय शिवजी सदा सदा ओम नमः गुरुजी जय गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हर पल का शुक्राना किस किस पल का शुक्राना करें हम सारे पल शुक्राना के हमारे और आज आंटी ने अचानक मेरे को बोल दिया कि आपने गुरुजी के लिए कुछ बोलना है कैसे जुड़ाव हुआ तो ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता कब हम गुरु जी से जुड़े आई थिंक अराउंड इलेवन ईयर्स एगो दो हज़ार ग्यारह में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ दिल्ली गुड़गांव में आई आई वॉज बॉर्न वी वर बॉर्न माई वाइफ एंड बोथ ऑफ वर्स्ट बॉर्न इन लाजपत नगर न्यू दिल्ली एंड ब्रॉटअप देयर एंड देन नाओ जस्ट लास्ट टू ईयर्स वी शिफ्टड टू गुड़गाव तो हम ग्यारह साल से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं हमारी फैमिली में ही अगर हम सारी फैमिली इकट्ठे हो जाएं तो 40 लोग हैं मेरी चार सिस्टर हैं तीन ब्रदर्स हैं और हम सबके बच्चे जवाई और बहुएँ सब मिला के हम अपने आप सत्संग कर लेते हैं तो आ, हम जब सत्संग करते थे तो ऑफ लेट पहले मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं पिछले 11 साल से आई एम बॉलीवुड सिंगर तो मैंने अपनी सिंगिंग ऑलमोस्ट छोड़ के अब गुरुजी के सारे भजन मैंने गाने शुरू किए हैं आई हैव गॉट अराउंड 50 कलेक्शन ऑफ़ गुरुजी जी भजन्स। तो हम हमने सोचा कि शब्द तो बहुत जरूरी है हम सीधा सत्संग तो नहीं कर सकते तो हमने डिसाइड किया फैमिली में कि दो घंटे का सत्संग करेंगे जिसमें से एक घंटा हम शब्द चलाएंगे और एक घंटा मैं भजन करूँगा और अभी कानन दीदी के यहाँ भी हमने ऐसा ही किया कि आधा टाइम हमने शब्द चलाए और आधा टाइम मैंने भजन गाए तो आ, हम लोग जाते थे वहाँ बड़े मंदिर में और बहुत काफ़ी जाना था तो आ, लेकिन ये था कि वो जुड़ाव जो यहाँ आके बना है ना शायद वहाँ नहीं बन पाया क्यों क्योंकि वहाँ हम जाते थे मंदिर में और एक तो टाइम बड़ा लगता था दो घंटे वहाँ से जाना दो घंटे आना तो हम जा नहीं पाते थे इतना और यहाँ तो ये यह समझो कि पाँच मिनट में हम पहुँच जाते हैं तो तीन दिन हम यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर हमने गौरव अंकल से मिलते थे जो गुरु के भतीजे हैं तो उनको बोलते थे सत्संग हमें कुछ सेवा तो कह रहे अंधेरिया करो सेवा था मिल जाएगी तो लेकिन वहाँ हमें सेवा नहीं मिली चाहते हुए भी बट यहाँ आके पहले तो हम ओक्ट्री वाले में जाते थे ओक्ट्री टेम्पल में फिर उधर सीमा आंटी वाले में जाते थे अब जब से यहाँ आए हैं तो ऐसा हमें लगता है कि हमारा कुछ डिफरेंट कनेक्शन हो गया गुरुजी से और uh, मेरी बेटी शिवांगी महाजन आई हुई है यहाँ पर आज जर्सी सिटी से हमने स्पेशली इसका शुकराना कर करने के लिए इसको बुलाया है तो शिवांगी इज़ नेम इ्स सेल्फ इज़ यू नो शिवा शिव की uh, दासी या शिव आंगनी जो भी है वटेवर तो uh, सत्संग तो बहुत सारे हैं तो बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस समय जो मेरे को जो सत्संग एकदम से याद आ रहा है लास्ट मंथ मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ में यूरोप टूर पे गई एंड इटली एंड रोम वगैरह में थी आफ्टर फाइव डेज शी वाज़ इन्जॉइंग एंड शी वाज़ सेंडिंग ऑल द पिक्चर्स सडनली पिक्चर्स आनी बंद हो गई और दो दिन तक कोई वीडियो मैसेज नहीं तो आई वाज सरप्राइज कि क्या हो गया तो दो दिन तक शी वॉज टेकिंग एवरी थिंग ऑन टू हर बिकॉज पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो और पेरेंट्स कहीं ज़्यादा टेंशन में ना आ जाए तो दो दिन तक शी वॉज डूइंग एवरीथिंग यू नो वॉट हैपन शी वॉज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस एंड शी कैप्ट हर बैग देयर एंड व्हेन शी केम बैक आफ्टर दिस थिंग एंड देर वॉज नो बैग तो उसी बैग में इसका सब कुछ ग्रीन कार्ड पासपोर्ट डेबिट कार्ड एवरीथिंग वॉज देयर इन दैट बैग तो दो दूसरे दिन मेरे बेटे का फोन आया कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है आप उसको डांडा नहीं मैंने कहा बेटा कुछ नहीं बस गुरु जी बोल गुरु जी बोल आई डोंट नो यहाँ पर उस सीट पे जहाँ मेरी uh, आंटी बैठी हैं यहाँ पर बैठ के मैं सिर्फ ये मेरा ता सहारा एक तू गुरु जी कुछ चमत्कार करो गुरु जी कुछ चमत्कार करो क्योंकि शी वॉज टोल्ड दैट शी विल हैव टू गो बैक टू इंडिया टू गेट अ पासपोर्ट इन तत्काल और तत्काल में एंड शी वॉज हैप्पी मैं जाऊँगी इंडिया भाई के पास गोवा में रहूँगी और अपना मेरा पासपोर्ट बन के आ जाएगा मैं कहा बेटा बहुत टाइम <laughs> लगता है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू यू नो गेट पासपोर्ट एंड देन कम बैक तो मैं तो बस मैंने कहा बेटा गुरु जी ही कुछ चमत्कार करेंगे आलोक अंकल जो हमारे यहाँ पर करते मैंने उनको बताया तो ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लॉस्ट हिज पासपोर्ट इन जर्मनी समटाइम तो कह रहे हैं आप बस गुरु जी का ध्यान करो और गुरु जी कुछ हेल्प करेंगे तो इसने पासपोर्ट एक्चुअली ब्रिटिश एम्बेसी में भी अप्लाई करा था इसने फॉर वीज़ा तो वो इसको वीज़ा बड़ा टाइम लगा रहे थे इन्होंने इसने फ़ोन वोन करके उनको बोला कि मेरा पासपोर्ट वापस भेज दो तो ब्रिटिश अम्बेसी वालों ने इसका पासपोर्ट यहीं पर जब जर्सी सिटी में थे तो वापस भेज दिया और विदाउट स्टैंप लगाए बाकी यूरोप के वीज़ा पहले लग चुके थे इसके तो उस ब्रिटिश अम्बेसी वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया इसके पासपोर्ट के बैक साइड पर इसका पूरा कम्प्लीट नेम एड्रेस फ़ोन नंबर सब लिखे हुए थे तो जो बैग जिसने भी लिया वो ऑब्वियसली मैं कह रहा था तू तो सब कुछ रख ले यार सब कुछ रख ले सिर्फ ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट वापस भेज दे और गुरु जी आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने सब कुछ ही रख लिया जो जो था इसके बैग में एक्सेप्ट ग्रीन कार्ड डेबिट कार्ड और पासपोर्ट वो इसका पुलिस स्टेशन भेजे अब पुलिस स्टेशन वाले ढूंढे इसको हर जगह पता करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम डाल लिया या सोशल नेटवर्क पे कहीं इसका ये तो एक दिन उन्होंने पीछे बैक साइड में देखा पासपोर्ट के तो इसका फ़ोन नंबर था वहाँ पर देन दे कॉल्ड हर और इसने मेरे को फ़ोन किया पापा गुरु जी ने सुनने हमारी गुरु जी चमत्कार ये चमद, ऐसे बहुत से हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ बट ये जो चमत्कार हुआ ना अभी लास्ट मंथ तो मैं शिवांगी लेट्स आज इसने गुरुजी की जोत जलाई है और गुरुजी का प्रसाद करा है तो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्राना गुरु जी इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकता और ये ब्लेसिंग्स मेरे को गुरु जी यहाँ देते रहे तो मैं आई एल बी रियली रियली ग्रेटफुल थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच गुरु जी बहुत बहुत, बहुत शुक्राना लोका दे सहारे बड़े हो मेरा तो सहारा एक तू लोग दे गुजारे बड़े होन गे मेरा तो गुजारा एक तू इक तू गुरु जी की जब से हमने लड़फड़ी हो तब से हमारा सब अच्छा है बहुत शुक्राना गुरु जी थैंक यू सो so मच नमः शिवाय शिवजी सदा सा ॐ नमः शिवाय गुरुजी सदासा ओ,